गलियों में किए जाने वाले योगाभ्यासों की सीरीज में आज हम आपको बैठकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासना या सुखासना किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है और अपने एक हाथ को ऐसे अपने कमर के पीछे से ऐसे रख लें और ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए इसके बाद आपने ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने हाथ को हो सके तो जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। 10 सेकंड तक रुकें, फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से जितना कर पा रहे हैं उतना ही कीजिए। स्टार्टिंग में इतना ही कर पा रहे हैं तो इतना ही करें, फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही कम से कम दोनों साइड से 4 से 5 बार करते हैं। ऐसे सीधे देखिए, इसके बाद हम करेंगे योग मुद्रासना। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं, लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे अपने सिर को ऐसे राइट साइड ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे लाने की कोशिश करें। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऊपर को उठा लें, फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं, ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें, ऐसे अपने पैरों को 4 से 5 बार अप डाउन कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, यानी कि आपने अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आना है। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलव के नीचे से ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करें। जितना आप कर पा रहे हैं यह स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारा संपूर्ण शरीर स्ट्रेच होता है। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को अक्सर हाथ पैरों में दर्द की शिकायत होती है, की समस्या दूर होती है, एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर धीरे धीरे नीचे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपने पैर को घुटनों से ऐसे मोड़ते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं, अगर हो सके तो ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाने की कोशिश करते हुए थर्टी सेकंड तक रुकें और फिर नीचे और फिर सीधे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई पोज। आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और फिर ऐसे कम से कम 2 से 5 मिनट इस बटरफ्लाई पोज को आप कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। जिन लोगों के
जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यह एक बेस्ट अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मेरु दंडासना। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर आपने अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और ऐसे अपने सिर को थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हुए ऐसे मेरु दंडासना की पोजीशन पर रहते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। और फिर धीरे धीरे नीचे।